नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 7 नवंबर। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। आज के करंट अफेयर एमसीक्यू में कल यानी 6 नवंबर के भी करंट अफेयर एमसीक्यू होंगे, क्योंकि कल टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। तो आज इसमें दोनों दिन यानी 6 और 7 नवंबर के करंट अफेयर एमसीक्यू होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू। और आज के एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यानी आज 7 नवंबर को कौन सा खास दिन है। तो 7 नवंबर को है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। जी हाँ, याद रखना है आपको, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे हर साल मनाया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द WHO यानी WHO के अकॉर्डिंग सेकेंड लीडिंग हमारे यहाँ पर डेथ जो होती है, ठीक है, वो कैंसर की वजह से होती है। तो कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है ग्लोबली। आप यहाँ पर देखो तो इंडिया में खाली यहाँ पर 1.5 मिलियन पेशेंट्स हैं कैंसर से हैं, ठीक, और 18 मिलियन केसेस जो लगभग ग्लोबली हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है एक हिस्सा है वो इंडिया में भी है। तो इसलिए हमें कैंसर के बारे में लोगों को अवेयर करना, अगर इसके कहीं पर सिम्टम दिखते हैं तो लोगों को अवेयर किया जा सके कि वो जल्दी से जल्दी इलाज करें, ताकि इसका इलाज भी संभव है। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से लाइलाज बीमारी, कई लोग इसे क्या हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर एमसीक्यूज के। और पहला का एमसीक्यू आपके सामने है कि हाउ मच ग्रोथ फंड, ठीक है, अनाउंस बाय द प्रोक्टर एंड गैम्बल, यानी PNG के द्वारा भी हाल ही में एक फंड अनाउंस किया गया है जिसमें कहा है कि हम एक ग्रोथ फंड रखेंगे इंडिया में। किस चीज़ के लिए? तो ये रखेंगे सेल्फ रिलायंट, यानी आत्मनिर्भर बनाने के लिए। यहाँ पर गवर्नमेंट का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है, तो इसके अंतर्गत PNG ने भी कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है। तो वो कितना पैसा इन्वेस्ट किया है यहाँ पर ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 400 करोड़ रुपीज। देखिए, PNG एक US बेस्ड कंपनी है, ठीक है, US बेस्ड कंपनी जिसने भी हाल ही में अनाउंस किया है कि हम 400 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करेंगे। और ये इन्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट के विजन में जिसका नाम होगा सेल्फ रिलायंट कंट्री, ठीक है। और इसका एक मेन फंड होगा, न्यू फंड इज द पार्ट ऑफ PNG, है ना, वीग्रो प्रोग्राम। यहाँ पर वीग्रो प्रोग्राम को याद रखना है। वीग्रो प्रोग्राम का मतलब क्या है कि हम एक जो मिशन होगा PNG मिशन, PNG का इंडिया में, कि हम सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनाने के लिए छोटे छोटे स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, स्मॉल बिजनेस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन सभी को हम क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें। तो इसलिए यहाँ पर वीग्रो प्रोग्राम चलाया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे पूछा है, कभी हाल ही में किसने चेयर किया है, मतलब किसने होस्ट किया है ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो इसमें किसने इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया? तो इसका सही आंसर क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। इन्होंने भी हाल ही में क्या किया है, ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को सबमिट किया। और इनमें इसमें इनका मेन मिशन क्या था कि इंश्योरिंग द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी हम जो वायरस चल रहा है इसके दौरान हम अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखें, साथ साथ में हम क्या हो सकें, आत्मनिर्भर हो सकें। वाज ड्राइवन बाय द स्ट्रेंथ आवर सिस्टम एंड सपोर्ट, यानी ये सारी चीज़ें जो आत्मनिर्भर है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और कोरोना से फाइट करने की चीज़ है, ये हमारा सिस्टम और हमारे लोग और साथ साथ में हमारे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं इससे लड़ने में और इसको मजबूत करने में हमें काफ़ी मददगार साबित होंगी। तो आगे बात की उन्होंने कि हम बहुत ही जल्दी क्या बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, ठीक है। ये एक विजन नहीं है, एक वेल प्लान्ड इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है, ऐसा उन्होंने कहा कि जस्ट एक विजन नहीं है, एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है, वेल प्लान्ड इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है। और इस एम को अब हमारे बिजनेस और स्किल्स के द्वारा जो हमारे वर्कर्स हैं, ठीक है, ये एक पूरी तरीके से हम अपने इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि किस स्टेट ने भी हाल ही में अनाउंस किया है कि हम 100% टैक्स एग्जम्पशन कर देंगे, यानी छूट देंगे कहाँ पर, ई व्हीकल्स के लिए। तो अभी इससे पहले इसी से रिलेटेड एक न्यूज आई थी जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर एग्जम्पशन दिया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में कहा है कि जो हमारा 100% एग्जम्पशन होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं, उस पर किसी भी प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक बात बताइएगा, एक क्वेश्चन बताइएगा कि अभी हाल ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, ठीक है, प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम का नाम आपको मैं बता दे रहा हूँ, उस प्रोग्राम का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, फेम,
ठीक है, इस फेम का आपको फुल फॉर्म बताना है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए फेम। फेम क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम चलाया गया था, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है फटाफट बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर, और क्वेश्चन नंबर फोर में आपसे पूछा है कि छह स्टार्टअप यानी अभी हाल ही में 6 स्टार्टअप जो कि वुमेन्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं, इनको कोविड-19 के दौरान श्री शक्ति चैलेंज कोविड-19 का अवार्ड मिला है। तो ये जो श्री शक्ति चैलेंज है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा था इंडिया में अभी, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? माई जीओवी के द्वारा अभी हाल ही में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, और इसके अंतर्गत 6 स्टार्टअप्स को क्या किया गया है जो उनको वुमेन लीड कर रही थी उनको श्री शक्ति अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज किया गया और इसके इसके साथ में कोलैबोरेट किया था किसने? यूएन वुमेन, है ना, इसने भी लॉन्च किया था। थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर देखिए, कोविड-19 के दौरान श्री शक्ति चैलेंज ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें 6 महिलाओं को पी गायत्री महिला, रोमिता घोष, डॉक्टर अंजना राजकुमार, डॉक्टर अनुष्का अशोकन, है ना, इन सभी को क्या मिला है? श्री शक्ति अवार्ड मिला। तो ये आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, बस आपको यहाँ पर याद रखना है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, यूनाइटेड नेशन वुमेन्स, है ना, और उसके द्वारा माई जीओवी के द्वारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, बस इतना याद रखने की जरूरत है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है कि बांग्लादेश ने अभी हाल ही में एक नेवल एक्सरसाइज की है जिसका नाम यहाँ पर क्या है? कराड। ठीक है, तो ये किस देश के साथ की है आपको बताना है, तो इसका सही आंसर क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अभी हाल ही में बांग्लादेश ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है, और मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर एक कॉपरेशन अफ्लोट रीडिंग एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म याद रखना है कराड, कॉपरेशन अफ्लोट रीडिंग एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये करात अभी हाल ही में जो एक्सरसाइज हुई है किसके साथ में? बांग्लादेश और यूएस के साथ में। तो इसमें क्या करेंगे, जो अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको दोनों नेशंस के बीच में, दो देशों के बीच में किस तरीके से बढ़ाया जाए इस पर बात हुई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि अभी हाल ही में किस सीएम ने, किस स्टेट के सीएम ने स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स, हेल्थ केयर एंड लॉजिस्टिक्स सेंटर अभी खोला है ना, इनॉग्रेट किया है, तो इसका सही आंसर क्या है? तमिलनाडु के जो सीएम है ई पलनी स्वामी, ठीक है, इन्होंने भी हाल ही में अपेक्स स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर द हेल्थ केयर एंड अपेक्स स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर लॉजिस्टिक, यानी हम ये कह सकें दो क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट सेक्टर, एक हेल्थ केयर में और दूसरा लॉजिस्टिक के क्षेत्र में बनाया जाएगा, और इसमें हम एक्सीलेंस इस्टेब्लिश करेंगे, इसका मेन होगा अचीविंग द एक्सीलेंस इन द टू सेक्टर्स, यानी हेल्थ केयर के सेक्टर्स में किस तरीके से हम एक एक्सीलेंस यानी हम बढ़िया एक प्लेटफॉर्म बना सके और साथ साथ में लॉजिस्टिक के क्षेत्र में, तो ऐसा प्रोग्राम बस किया गया। इसके साथ साथ में इनको असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के द्वारा, और साथ साथ में तमिलनाडु इन्वेस्टमेंट प्रमोशन प्रोग्राम फेज सेकेंड के द्वारा यहाँ पर इनको असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी डिमांड और ड्राइविंग स्किल्स डेवलपमेंट कोर्सेज इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, जो लोगों को हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे, ठीक है, इन सबको क्या किया जाएगा, स्किल प्रोवाइड की जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए लॉन्च किया है टोल फ्री टेली एजुकेशन टेली हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, फॉर द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने भी हाल ही में प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसमें टोल फ्री एजुकेशनल हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा है कि अभी हाल ही में किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है न्यूट्रिंग नेबरिंग हुड चैलेंज, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हरदीप सिंह पुरी, जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर और साथ साथ में हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, इन्होंने भी हाल ही में लॉन्च किया नेचरिंग नेबरहुड चैलेंज। इसके अंतर्गत क्या होगा, इनका मेन फोकस होगा नेचरिंग नेबरहुड चैलेंजेस के अंतर्गत कि जो हमारे सिटीज़ हैं, सिटीज़ के अंतर्गत जो हमारे यंग हैं, यंग चिल्ड्रंस और साथ साथ में उनकी फैमिलीज को किस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट मिले, ठीक है, ताकि हम स्मार्ट सिटी जो बना रहे हैं उसमें जो अदर सिटीज़ हैं, साथ साथ में जो हमारे 5 लाख पॉपुलेशन से ज़्यादा जो सिटीज़ हैं वहाँ पर जो फैमिलीज हैं, जो बच्चे हैं उन पर काफ़ी फोकस किया जाए, उनके ग्रोथ के लिए कुछ ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जाए स्मार्ट सिटीज़ में, तो इसके लिए यहाँ पर नेचर नेबरहुड चैलेंज ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर,
क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि इसरो ने भी हाल ही में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपको याद रखना है ईओ का मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन S01, ठीक है, ये नाम याद रखना है आपको। ये भी हाल ही में 7 नवंबर को यानी आज के दिन यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा और इसको लॉन्च किया जाएगा, लॉन्च व्हीकल क्या होगा, PSLV C-49, याद रखना है, ये जरूर याद रखना है। PSLV का फुल फॉर्म मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ये C-49 का रॉकेट यहाँ पर जाएगा और जो कि लॉन्च टाइमिंग यहाँ पर लोकल वेदर्स के अकॉर्डिंग देखा जाएगा और इसको कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, ठीक है। एक क्वेश्चन आप बताइएगा, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इसरो का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, फटाफट कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए इसरो का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि किसने अभी हाल ही में अवधनम अवार्ड, मतलब अवधनम एक लिटरेचरी, मतलब जो हमारा लिटरेचरी एक ट्रेडिशन होता है उसको अभी हाल ही में किसने ऑर्गेनाइज किया है, किसने ऑब्जर्व किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, इन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल सतवधनम प्रोग्राम लॉन्च किया है और इसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया है, किसके द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इसका नाम है अवधनम, याद रखना है अवधनम। अवधनम क्या है, ये एक तरीके से एंशियंट, वेरी एंशियंट टाइम पर एक लिटरली परफॉर्मेंस है जिसके अंतर्गत यहाँ पर देखोगे कि संस्कृत लिटरेरी प्रोसेसेस को जो हमारे पोएट्स हैं उनको और साथ साथ में तेलुगु और कन्नड़ को मॉडर्न टाइम्स में बनाए रखने के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। मतलब जो हमारे पोएट्स हैं संस्कृत के हों, तेलुगु के हों, कन्नड़ के हों, किसी भी उसके 3 लैंग्वेज के हों, तो इनके जो परफॉर्मेंस है साथ साथ में इनको शोकेस करना, यानी अवधनम के अंतर्गत शोकेस करना, क्या एंटरटेनमेंट, सुपर मास्टरी ऑफ कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज, ऑब्जर्वेशन मेमोरी, मल्टीटास्किंग, मल्टीपल मॉडल्स, इंटेलिजेंस लिटरेचर, पोएट्री, म्यूजिक, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, पजल सॉल्विंग, इन सभी चीज़ों को क्या करना, शोकेस करना, इसके लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। तो बस ये इतना याद रखना है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इंडिविजुअल कोई भी पर्सन परफॉर्म करता है और उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। और क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है कि किस बैंक ने भी हाल ही में 132.8 मिलियन डॉलर का यहाँ पर लोन अप्रूव किया है, किसके लिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, कहाँ पर, मेघालय में। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी हाल ही में क्या किया है, 132.8 मिलियन डॉलर का लोन अप्रूव किया है और ये लोन अप्रूव किया है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमारे राज्य में जो मेघालय राज्य है वहां पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से हो सके, इसके लिए यहाँ पर लोन मिला है। तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन लोन जो है वो किसको दिया जाएगा, ये फंड इंप्रूव करेगा मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, ताकि वहां पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर तरीके से किया जा सके। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। और क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि किस स्टेट ने भी हाल ही में अनाउंस किया है कि हमें जो हमारे रिफ्यूजीज हैं, ठीक है, SC और ST पीपल्स के लिए उनको कुछ इनिशिएटिव दिया जाएगा। तो ऐसा इनिशिएटिव अभी हाल ही में किसके द्वारा लाया गया, तो वेस्ट बंगाल के द्वारा लाया गया। वेस्ट बंगाल की जो CM है ममता बनर्जी, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि नंबर ऑफ जो इनिशिएटिव होंगे रिफ्यूजीज होंगे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के, उनको यहाँ पर क्या मिलेगा, कुछ इनिशिएटिव दिया जाएगा। अभी ये ऐसा कुछ नहीं बताया कि क्या होगा। तो स्कीम के अंतर्गत क्या होगा, लैंड पट्टा यानी लैंड उनको प्रोवाइड की जाए ताकि वो एग्रीकल्चर कर सके और साथ साथ में कल्चरल डेवलपमेंट और इन सभी चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखा जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। और क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा है कि किस कंट्री ने अभी हाल ही में होस्ट किया है एर्थ मीटिंग, किसकी की एर्थ मीटिंग, इंडिया और UAE की, ठीक है, और ये हाई लेवल ज्वाइंट टास्क फोर्स है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो इसको अभी हाल ही में होस्ट किसने किया है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया ने अभी हाल ही में होस्ट किया है क्या कि UAE और इंडिया के बीच में हाई लेवल ज्वाइंट टास्क इन्वेस्टमेंट फोर्स होगी जो इन्वेस्टमेंट पे बात करेगी और ये वर्चुअल मतलब एक वर्चुअल फॉर्मेट होगा, क्योंकि आप देखोगे COVID-19 की वजह से कोई भी पर्सन मतलब कोई भी यहाँ पर लीडर बाहर नहीं जा रहे, केवल के इंडिया और US के बीच में जो 2+2 डायलॉग हुआ वो भी ऑफलाइन हुआ, मतलब फिजिकली हुआ, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए वर्चुअली हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है पीयूष गोयल ने और उधर शेख अहमद साहब ने यहाँ पर ये परफॉर्मेंस जो है मतलब सॉरी ये इंडिया का जो ज्वाइंट लेवल टास्क फोर्स है इसको क्या क्या होस्ट किया।
चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, और क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि किस कंपनी ने भी हाल ही में लॉन्च किया है रुपए फेस्टिवल कार्निवल। तो रुपए फेस्टिवल कार्निवल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अब रुपए, जाहिर सी बात है, ये कार्ड किसके द्वारा बनाया गया? तो ये कार्ड बनाया गया है NPCI के द्वारा, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसने भी हाल ही में लॉन्च किया है क्या कि रुपए फेस्टिवल कार्निवल। इसके अंतर्गत कहा है कि 65% डिस्काउंट हम रखेंगे, यानी इसके अंतर्गत 65% डिस्काउंट, यानी परचेज अगर आप करोगे कोई भी चीज़ रुपए कार्ड से, तो यहाँ पर 65% यहाँ पर वेरियस ब्रांड के अंतर्गत रुपए कार्ड पर क्या मिलेगी, आपको छूट मिलेगी। ये रुपए फेस्टिवल कार्निवल प्रोवाइड करेगा ए कंप्लीट बेनिफिट एट्रैक्टिव डिस्काउंट जो रुपए यूजर्स के लिए। तो जिनके जिनके पास रुपए कार्ड है वो उनके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है कि आपको यहाँ पर एक एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है जो NPCI की तरफ से दिया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, और क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कि किसने भी हाल ही में पार्टनर किया है डिजिट सिक्योर, यानी डिजिट सिक्योर के साथ पार्टनरशिप किया है किसने? HDFC बैंक एंड द ग्लोबल फर्स्ट लाइव डेवलपमेंट के लिए PCI सर्टिफाइड फोन टैप एंड एक्सेप्शन सॉल्यूशंस के लिए। तो इसमें आपको किस एक गेटवे के द्वारा इन्होंने टाइप किया, तो इसका सही आंसर क्या है? वीजा। अब ये क्या है PCI सर्टिफाइड टैप फोन कार्ड एक्सेप्टेंस सॉल्यूशंस क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए एक आपके पास क्या होता है, एक आपके पास ATM कार्ड होता है, ठीक है। आप किसी शॉपकीपर्स के पास जाते हैं तो वहां पर उसके पास एक मशीन होती है जिसको हम लोग POS बोलते हैं, यानी पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं। अब क्या होगा, यानी जो फोन होगा वो एक POS के तरीके से काम करेगा, ये POS के तरीके से काम करेगा, यानी आप ये कार्ड क्या करोगे इसमें इंसर्ट करोगे, तो यहाँ पर एक सिंबल आप देख रहे होगे वाईफाई का, तो ये वाईफाई वाला सिंबल क्या करेगा, इस फोन के साथ लिंक बैठाएगा, और ये यहाँ पर ये फोन क्या करेगा, इसको रीड करके और इसमें जो भी पेमेंट होगा उसको डिटेक्ट कर लेगा। यानी यहाँ पर आपको किसी भी POS डिवाइस की जरूरत रखने की जरूरत नहीं होगी। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा सिंपल सा ये होगा कि यानी जो भी बैंक है उनका जो एक तरीके से POS मशीन्स में जो एक एक्सेप्टेंस डिवाइस के लिए पैसा खर्च होता था वो पैसा खर्च नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, मेक इन इंडिया के अंतर्गत ये इनिशिएटिव बनाया गया ताकि हम लोकल इनोवेशन को भी क्या कर सके, प्रमोट कर सके। तो बस इसमें इतना ही था, तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।